ग्वालियर के जेएच हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर अग्निकांड न्यायिक अधिकारी से जांच की मांग, हॉस्पिटल प्रबंधक सहित डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। ग्वालियर के जेएच अस्पताल के ट्रामा सेंटर में आग लगने के कारण शिवपुरी के युवक आग के धुएं से दम घुटने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद आज मृतक के परिजनों ने एसपी को आवेदन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार कदीर खान पुत्र स्वर्गीय आजाद खान निवासी वार्ड नंबर 35 कमलागंज घोसीपुरा ने बताया कि 31 अगस्त की शाम 9 बजे पिताजी घर पर बैठे थे, तभी आवारा सांड ने पिता पर हमला कर दिया। इसके बाद पिता आजाद खान को शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 1 सितंबर को उनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज शिवपुरी से ग्वालियर के जेएच अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया था। 3 सितंबर की सुबह 7 बजे अचानक अस्पताल के ट्रामा सेंटर में आग लगने से पूरे अस्पताल में काला धुआं उठने लगा। इसके बाद ट्रामा सेंटर में 10 भर्ती मरीज थे। पिता आजाद खान के अलावा उस अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। आग लगने के कारण आजाद खान का वेंटिलेटर हटा दिया गया था और सभी को शिफ्ट किए जाने लगा। इसके बाद उनकी धुएं में दम घुटने के कारण मौत हो गई। इस सारी लापरवाही के कारण अस्पताल का प्रबंधन और डॉक्टर को दोषी बनाया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने पूरे घटना की जांच प्रबंधन को सौंपी है, जो कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच नहीं करवा पाएंगे, इसलिए किसी न्यायिक अधिकारी को ये जांच सौंपी जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। चलो, क्या नाम है आपका? आदित्य खान। आज आपने आवेदन दिया एसपी को, क्या आवेदन दिया था? ये जीएच में अभी 3 तारीख को घटना हुई थी, आईसीयू में आग लगी थी। ग्वालियर 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 आईसीयू में आग लगी थी, तो उसमें मेरे पापा की डेथ हो गई थी वेंटिलेटर से। तो आग लगी तो आग धुआं भरा उसमें। मेरे पिताजी को क्या हो गया था, आपको क्या ले? मेरे पिताजी शूटिंग में घर पर, तो ये गाय ने टक्कर मार दी थी, तो पीछे गिर गए थे, सिर में लगी थी उनके। जिसको ले गया ग्वालियर गए, मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, फिर वहाँ से रेफर करके ग्वालियर पहुँचाया। ग्वालियर जीएच ट्रोमा सेंटर में भर्ती हुए, उनको ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टरों ने बोला सक्सेसफुल है ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन में वेंटिलेटर हटेगा तो पापा सही हो जाएंगे। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट जो आईसीयू में आग लग जाती है, एसी में आग लगने के कारण डॉक्टरों ने उनका वेंटिलेटर हटाया, तो उसके बाद आधा घंटे बाद वेंटिलेटर लगाया, जिससे पापा की ऑक्सीजन न मिलने के कारण डेथ हो गई जी। उसके बाद डीन बोलते हैं कि डीन उसके बाद बोलते हैं कि अभी वेंटिलेटर पे हैं, अभी पापा जिंदा हैं। 12:15 बजे उन्होंने बताया कि पापा मृत हो गए हैं जी। बस इस कारण हमें एसपी ऑफिस में आवेदन आया था कार्रवाई करने के लिए। किसको मानते हो? फिर पूरा प्रबंधन, जितने डॉक्टर थे, पूरा दोषी है और इसमें दो लोगों की और डेथ हो चुकी है इसी घटना। तो कार्रवाई चाहते हैं? आग मार लगी थी उस टाइम पे, वीडियो वगैरह कुछ है? हाँ, वीडियो है मेरे पे, पूरी वीडियो है। उस दिन पूरे चैनलों पे चली है, पूरे पेपरों में छपे हैं। अभी एसपी साहब के अलावा और कहाँ आवेदन दिया? मैंने कलेक्टर को दिया और कलेक्टर शूटी कलेक्टर को दिया और एसपी शूटी को दिया। जाँच करवाते हैं, जाँच के बाद जो भी कार्रवाई हुई करें।